Today, in the subject of the manufacturing process, we are discussing about the unit 4, cutting tools, which is the most important part of an industry. As I have also discussed in the last class, which tool will be used, which tool material will be used, is an important consideration for the production economics and the survival of the company. Survival of the company, manufacturing cost depend upon the selection of the tool material and selection of the tool. In the next series, we discuss about the titanium nitride coating. Coating of the material is done to improve the life of the tool and the machining efficiency. It has a low coefficient friction. Titanium nitride coating has a low coefficient friction. Low coefficient friction means the less force will be required during the cutting operation. This is the most advantageous thing. You have to require the less power motor for the machine. Less force will be required, hence the tool life will be more. Low coefficient of the friction is the titanium nitride coating. High hardness. Hardness is the higher. This is the another advantage of the titanium nitride coating. Resistance to high temperature. This is the another advantage. You can work for the longer duration of the time during the machining process. Aap jyada der tak kaam kar sakte hain titanium nitride coating ke saath mein. Wo resist karega. Higher temperature pe rise karega, wahan bhi wo cutting karega. Ye uske advantage hai. Good as a addition to the substrate, which may be carbide or the high speed steel. Ye aapko carbide or high speed steel ko aapse better hai. Golden color, iska color jo hai gold hota hai, golden color ka hota hai. Color bhi bahut beautiful hai, titanium nitride coating ka golden color hai. And perform well at the higher cutting speed and the fit. Ye higher cutting speed pe kaam kar sakta hai. Cutting speed aap badha karke, अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन करना है, कटिंग स्पीड बढ़ा दीजिए, उस पे भी ये काम करने में सक्षम है. एंड द फीड, ज्यादा फीड भी आप दे देंगे, फिर भी आप टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग का आपको रिजल्ट आपको बेटर होता है. इसीलिए टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग आपको जो मल्टीनेशनल कंपनी है आपको टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग वगैरह का यूज करते हैं कटिंग ऑपरेशन में. फ्लैंक वियर इज सिग्निफिकेंटली लो. आपको यहां पर फ्लैंक वियर आपको दिखाया जा रहा है, यहां पर फिगर में आपको दिखाया जा रहा है. ये आपको रेक फेस है, आपको टूल वियर आपको दिखाया जा रहा है, ये फ्लैंक है, ये आपको टूल है, ये जो कटिंग एज है आपको वियर होता है कटिंग के दरमियान. ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस दिस टूल वियर्स. यहां पर आपको दिखाया गया ग्राफ में, अगर अनकोटेड रहेगा तो ये रहेगा, ये वियर होगा, और टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग होगा तो आपको ये होगा. ये आपको टूल है, ये आपको दिखाया गया है कि फ्लैंक वियर भी इसमें लोअर होता है इन रिस्पेक्ट टू द अनकोटेड टूल, है ना. स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ द टाइपिकल वियर पैटर्न ऑफ द हाई स्पीड स्टील अनकोटेड एंड द टाइटेनियम नाइट्राइड कोटेड टूल्स आर शोन इन द फिगर. फ्लैंक वियर इज सिग्निफिकेंटली लोअर फॉर द कोटेड टूल. टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग का फ्लैंक वियर कम होता है. टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग का आपको फ्लैंक वियर आपको कम होता है. है ना. कोटेड टूल्स डोंट परफॉर्म वेल एट द लो कटिंग स्पीड बिकॉज द कोटिंग कैन बी वर्न आउट बाय द चीप एडिशन. है ना. जो लो कटिंग स्पीड है तो आप उस पर आप जो है टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग को यूज मत कीजिए, क्योंकि कोटिंग जो है वर्न ऑफ हो जाता है. है ना. देन यूज ऑफ द कटिंग फ्लूइड्स आप यूज कीजिए, यो जो है आपको फायदेमंद रहेगा. है ना. दूसरा है टाइटेनियम कार्बाइड कोटिंग. टाइटेनियम कार्बाइड कोटिंग कर दिया जाता है, टाइटेनियम कार्बाइड का है ना वो कोटिंग कर दिया जाता है ऑन द टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट. एक तो मैंने आपको इंसर्ट बताया था टंगस्टन कार्बाइड का होगा, क्योंकि टाइटेनियम कार्बाइड आपको महंगा है, कॉस्टली है, तो टंगस्टन कार्बाइड के इंसर्ट पे
आप उसको कोटिंग कर दीजिए, टाइटेनियम कार्बाइड का कोटिंग कर दीजिए, आपको फ्लैंक वियर रेसिस्टेंस मिलेगा इन द मशीनिंग एब्रेसिव मटेरियल। आपको फ्लैंक वियर आपको कम होगा, आपको टूल लाइफ ज्यादा मिलेगा। टूल लाइफ जैसे ही आपको ज्यादा मिलेगा, आपका जो मशीनिंग कॉस्ट है वो आपको रिड्यूस हो जाएगा। जब आपको मशीनिंग कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा तो आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स बेटर होगा, यू कैन कंपीट इन द मार्केट। आप मार्केट में कंपीट कर सकते हैं दूसरे कंपनी के अलावा। तो ये आपको टाइटेनियम कार्बाइड कोटिंग का है। फिर अगला है आपको सिरामिक्स कोटिंग। सिरामिक्स कोटिंग जो है केमिकल इनर्टनेस लाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। टेम्परेचर हायर हो जाता है, डिफ्यूजन होता है मेटल का, डिफ्यूजन फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल, मेटल का डिफ्यूजन होता है। तो केमिकल रिएक्टनेस, केमिकल इनर्टनेस आपको नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन आपको नहीं होगा, ये आपको केमिकल इनर्टनेस होगा। लो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी लो है इसका, सिरामिक्स कोटिंग का। रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ये रेसिस्ट कर लेता है। हाइयर टेम्परेचर पे आप काम कर सकते हैं, ज्यादा देर तक आप काम कर सकते हैं। जो ऑटोमेटेड मशीन होता है, ऑटोमेटेड मशीन में आपको सिरामिक्स कोटिंग का लगा दिया, वो आपको लगातार काम करते रहता है। नो ह्यूमन की रिक्वायर्ड, ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं है टूल चेंज करने का, टूल वियर करने का कोई जरूरत नहीं है। आपका जो लेबर कॉस्ट है वो आपको सेव हो गया, है ना। ये आपको सिरामिक्स कोटिंग का आपको आपको फायदा है। रेसिस्टेंट टू फ्लैंक एंड क्रेटर वियर, सिरामिक कोटिंग करने से फ्लैंक वियर रुक जाता है, क्रेटर वियर रुक जाता है, टूल में आपको वियर भी आपको नहीं होता है ना। ये आपको सिरामिक्स कोटिंग का आपको बेनिफिट्स है। मोस्ट कॉमनली यूज सिरामिक कोटिंग इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं। हाफ वीवर ऑक्साइड कोटिंग जनरली बॉन्ड वीकली टू द सब्सट्रेट, ये आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं। अनदर वन इज द मल्टीफेज कोटिंग, यहां फिगर में आपको दिखाया गया है मल्टीफेज कोटिंग। देखिए कोटिंग एक मटेरियल का करेंगे, मल्टीफेज कोटिंग कर देते हैं, उससे ज्यादा और एडवांटेज मिल जाता है। जितने टाइप का यहां पर आपको दिखाया गया है, टाइटेनियम कार्बाइड Al2O3, टाइटेनियम नाइट्राइड Al2O3, टाइटेनियम नाइट्राइड Al2O3, टाइटेनियम कार्बाइड टाइटेनियम नाइट्राइड, ये मल्टीफेज कोटिंग है ना। तो मल्टीफेज कोटिंग का फायदा क्या है, द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कोटिंग कैन बी कंबाइंड। एक कोटिंग का ये फायदा है, दूसरे कोटिंग का ये फायदा है, तीसरे कोटिंग का ये फायदा है, ये सारे कोटिंग के जो फायदा है उसको कंबाइन कर लिया गया, इसको मल्टीफेज कोटिंग करते हैं। एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द मल्टीफेज कोटिंग, और Al2O3 कोटिंग करेंगे उसका ये बेनिफिट है, वो आप हासिल कर लिए। टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग करेंगे वो आप हासिल कर लिए, टाइटेनियम कार्बाइड की कोटिंग करेंगे वो भी आप हासिल कर लिए। ये मल्टीफेज कोटिंग का आपको जो है फायदा, Al2O3 का कोटिंग करेंगे वो भी आप जो हासिल कर लिए। तो कार्बाइड टूल्स आर नाउ अवेलेबल विद द 2 or 3 लेयर्स ऑफ द सच कोटिंग, है ना। मार्केट में इस तरह का आपको टूल आपको अवेलेबल है, एंड पार्टिकुलर इफेक्टिव इन द मशीनिंग कास्ट आयरन एंड स्टील। टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीपल कोटिंग टूल्स आर द हाई स्पीड, हाई स्पीड पे आप काम कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होगा आपको, कंटिन्यूअस कटिंग कर सकते हैं, ये आपको फायदा है। कोई जरूरत नहीं है मशीन को रेस्ट देने की, कोई जरूरत नहीं है। जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो आपका जर्मनी में काम कर रहा है ना, वो आपको यही है, कोई जरूरत नहीं है रोकने की। सुबह आप रात में जो है आप वर्कपीस मटेरियल आप मशीन के ऊपर में लगा दीजिए, सुबह आपको जा करके आपको कंटिन्यूअस कटिंग करेगा, और जो है वो आप सुबह वो आप उतार लीजिए। फोर्ड का जो आपको सिस्टम है, फोर्ड का सिस्टम में आपको मशीनिंग प्रोसेस में मल्टीफेज कोटिंग का आपको यूज करता है। हैवी ड्यूटी है, हैवी ड्यूटी यूज है उसका, कंटिन्यूअस कटिंग है। ये आपको दिखा रहा है कि ये तीन लेयर है इसमें, आपको यहां पर 2 लेयर दिया हुआ था, यहां पे 3 लेयर दिया हुआ है। ये आपको TIC दे दिया, Al2O3 दिया, टाइटेनियम नाइट्राइड दे दिया,
हैवी ड्यूटी में आप काम कर सकते हैं। फोर्ड वगैरह जो आपकी जो कंपनी है वो आपको इसी को यूज करती है। फर्स्ट डिपॉजिट टाइटेनियम कार्बाइड ओवर द सब्सट्रेट फॉलोड बाय द Al2O3 देन द टाइटेनियम नाइट्राइड, है ना। दूसरा ये लाइट होता है, कोटिंग किया हुआ है ना मटेरियल, आपको लाइट होता है। इंटरप्टेड कटिंग में आपको काम आ सकता है, इंटरप्टेड कटिंग आपको मिलिंग मशीन में, सेपर मशीन में इंटरप्टेड कटिंग होता है। एक बार टूल जाता है फिर आता है तो फोर्स लगता है। तो सीएनसी मिलिंग मशीन में, सीएनसी सेपर में आप इसको इंटरप्टेड कटिंग का आप यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट लेयर शुड बॉन्ड वेल विद द सब्सट्रेट, जो पहला जो है लेयर सब्सट्रेट के साथ में रहेगा। द आउटर लेयर शुड रेसिस्ट वियर, आउटर लेयर जो है वियर को रेसिस्ट करता है एंड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। फर्स्ट लेयर आपको जो है बॉन्ड करेगा सब्सट्रेट के साथ में और आउटर लेयर जो है वियर को रेसिस्ट करेगा। द इंटरमीडिएट लेयर शॉन बिल विल कंपेटेबल विद द बोथ लेयर, दोनों के बीच में आपको आपको इंटरमीडिएट लेयर रहेगा, है ना। तो ये आपको आपको फायदा है। कोटिंग आर अवेलेबल इन द अल्टरनेटिव मल्टी फेज लेयर, द थिकनेस ऑफ दीज लेयर्स इज ऑन द ऑर्डर ऑफ द 2 to 10 micron थिनर देन रेगुलर मल्टी फेज कोटिंग। ये आपको फिगर आपको मल्टी फेज कोटिंग का आपको दिखाया जा रहा है ना। मल्टी फेज कोटिंग ऑन ए टंगस्टन कार्बाइड सबस्ट्रेट, कार्बाइड सबस्ट्रेट है ये, टंगस्टन कार्बाइड का है और उस पर आपको मल्टी फेज कोटिंग किया जाता है। ये बहुत अच्छा आपका इसमें आपको प्रोजेक्ट हो सकता है, रिसर्च हो सकता है। ये कोटिंग आप लैब में आप कर सकते हैं, लैब में कर करके उसका एक्सपेरिमेंट डिफरेंट मशीन में आप कर सकते हैं। इस पे रिसर्च आपको बहुत अच्छा होगा। आप कई तरह के टूल मंगाइए, आपको कई तरह का ये मंगाइए, उस पे जो है आप कोटिंग कीजिए, उसका एक्सपेरिमेंटेशन ये आप कीजिए, बहुत अच्छा होगा। थ्री अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ द अल्मोनियम ऑक्साइड आर सेपरेटेड बाय द थिन लेयर्स ऑफ द टाइटेनियम कार्बाइड, है ना। एक Al2O3 यहाँ पे है, एक Al2O3 यहाँ पे है, एक Al2O3 यहाँ पर है ना। ये आपको इंसर्ट विथ मेनी एज 13 लेयर्स ऑफ द कोटिंग हैव बीन मेड, 13 लेयर तक का कोटिंग यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 13 लेयर तक का आपको बनाया गया। कोटिंग थिकनेस आर टिपिकली इन द रेंज ऑफ 2 to 10 micrometer, है ना। ये आपको मल्टीफेज कोटिंग है ना। थिकनेस ऑफ दिस लेयर फ्रॉम 2 to 10 micrometer, ये आपको यहां पे होता है। द रीजन फॉर यूजिंग द थिनर कोटिंग इज द कोटिंग हार्डनेस इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग ग्रेन साइज। थिनर कोटिंग यूज करते हैं तो कोटिंग हार्डनेस आपको गिर जाता, आपको बढ़ जाता है। सिमिलर टू द इंक्रीजेज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिक्रीजिंग द ग्रेन साइज। ये मल्टीफेज कोटिंग का एक्सपेरिमेंट कीजिए, मल्टीफेज कोटिंग को आप बनाइए, टूल को यहां पर लैब में बनाइए और उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए कि क्या उसका टूल लाइफ है, क्या उसका कटिंग पैरामीटर है। ये मल्टीफेज कोटिंग में आप ऑप्टिमाइज करके कितना लेयर तक कोटिंग करना है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। डायमंड कोटिंग, डायमंड की भी कोटिंग किया जाता है। आपने देखा होगा जो ग्लास वर्क वगैरह होता है, ग्लास वर्क के जो शॉप होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, उसमें डायमंड कटिंग टूल होता है, डायमंड कोटिंग किया हुआ रहता है उसमें। पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड इज बीइंग यूज्ड ओनली एज ए कोटिंग, पार्टिकुलरली ऑन द टंगस्टन कार्बाइड एंड द सिलिकन नाइट्राइड इंसर्ट। जो टंगस्टन कार्बाइड है, सिलिकन नाइट्राइड इंसर्ट है, उसमें आपको किया जाता है। थिन फिल्म आर डिपोजिटेड ऑन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे आपको थिन फिल्म डिपोजिट किया जाता है। पॉली विनाइल एंड पोनी भुलाइल डिवाइसन एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक से आपको डिपोजिट किया जाता है। थिक फिल्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग ए लार्ज शीट ऑफ द प्योर डायमंड व्हिच इज देन लेस लेजर कट टू शेप एंड ब्रश टू द कार्बाइड सेंक। ये आपको डायमंड कोटिंग है। डायमंड कोटेड टूल्स आर पार्टिकुलरली इफेक्टिव इन मशीनिंग नॉन फेरस एंड एब्रेसिव मटेरियल सच एज एल्युमिनियम अलॉय कंटेनिंग सिलिकॉन फाइबर रेनफोर्स एंड मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट एंड द ग्रेफाइट, है ना। ये आपको नॉन फेरस मशीनिंग के लिए, एब्रेसिव मटेरियल के लिए। एब्रेसिव मटेरियल का मशीनिंग आप कैसे कर सकते हैं? एब्रेसिव मटेरियल का जो मशीनिंग है वो डिफिकल्ट है। एब्रेसिव मशीनिंग आपको इसी से होगा, डायमंड से होगा, डायमंड कोटिंग से होगा। ग्लास का जैसे आप मशीनिंग ना दूसरे से नहीं कर सकते, वो डायमंड कोटिंग से ही होगा,
है ना, जो नॉन फेरस एलॉय है, जो हार्डर मटेरियल है उसको भी आप इसी से कर सकते हैं, कंटेनिंग सिलिकॉन फाइबर रॉन्स एंड द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट एंड ग्रेफाइट। मेटल मैट्रिक कंपोजिट हार्डर मटेरियल होता है, जो जो टूल वगैरह यूज किए जाते हैं ना, एंड आपको एरोप्लेन में जो मटेरियल यूज किया जाता है, नए नए जो आपको हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं हार्डर मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट का बनाया जा रहा है, सेटेलाइट वगैरह जो बनाया जा रहा है आपको वो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल का बनाया जा रहा है, हार्डर मटेरियल का बनाया जा रहा है, तो उसकी मशीनिंग आप डायमंड कोटिंग से कर सकते हैं। डायमंड कोटिंग से ही होता है, और ये इसीलिए यहाँ पर आपको इंडिया में फिजिबल नहीं है, इंडिया में होता ही नहीं है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट का मटेरियल का मशीनिंग, वो इंडिया में आपको नहीं होता है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे नहीं बनता है, वो बाहर से हेलीकॉप्टर खरीद के मंगाते हैं, जो एरोप्लेन है वो बाहर से आता है, रसिया से आता है, फ्रांस से आता है, क्योंकि वहां पर ये सारी मशीनिंग होती है, इंडिया में मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल की मशीनिंग यहाँ पर नहीं होती है। ये आपको डायमंड कोटिंग है, डायमंड कोटिंग के बारे में। फिर एल्यूमिना बेस्ड कोटिंग, एल्यूमिना वो भी सेरामिक टूल है, एल्यूमिना इंट्रोड्यूस इन द 1950, ये आपको आजादी के बाद आपको इंट्रोड्यूस हुआ है। सेरामिक टूल मटेरियल कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ द फाइन ग्रेन हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग किया जाता है सिरामिक टूल पे, दे आर कोल्ड प्रेस्ड इनटू द इंसर्ट, सेफ अंडर हाई प्रेशर एंड सिंटर्ड एट द हाइयर टेम्परेचर, है ना, हाइयर प्रेशर पे हाइयर टेम्परेचर पे ये आपको कोटिंग किया जाता है। द एंड प्रोडक्ट इज रिफर्ड टू एज द कोल्ड प्रेस्ड सिरामिक्स, कोल्ड प्रेस्ड सिरामिक उसको बोला जाता है। एडिशन ऑफ द टाइटेनियम कार्बाइड एंड जर्कोनियम ऑक्साइड हेल्प इम्प्रूव प्रॉपर्टी सच एज टफनेस एंड द थर्मल शॉक रेसिस्टेंस, वो टफनेस को बढ़ाता है, थर्मल शॉक रेसिस्टेंस को बढ़ाता है ना। तो एलुमिना बेस्ड कोटिंग इज द सिरामिक, सिरामिक कोटिंग है ये, एलुमिना Al2O3, Al2O3 की कोटिंग है, Al2O3 की कोटिंग वो उसमें आपको यूज किया जाता है। एडिशन ऑफ द टाइटेनियम कार्बाइड एंड द जर्कोनियम ऑक्साइड उसमें यूज किया जाता है, हेल्प किया जाता है टू इंप्रूव द टफनेस, टफनेस जिससे बढ़ जाए, है ना। अगर टाइटेनियम कार्बाइड को एल्यूमिना के साथ में यूज करेंगे तो टफनेस आपको यहां पर देखिए, यहां पर दिखाया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है प्लस 30% टाइटेनियम कार्बाइड है, आपका टफनेस बढ़ जाएगा, थर्मल शॉक रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आपको इसके फायदे हैं। एल्यूमिना बेस्ड सिरामिक टूल्स हैव द वेरी हाई एब्रेशन रेसिस्टेंस एंड द हॉट हार्डनेस, इसमें एब्रेशन रेसिस्टेंस आपको ज्यादा होता है, हॉट हार्डनेस इसमें ज्यादा होता है, आप इसको लॉन्गर टाइम तक जो है आप काम कर सकते हैं, ये आपको एल्यूमिना बेस्ड कोटिंग का आपको फायदा है। जितना भी तरह का मैंने टूल बताया ना, तो उसका रेंज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वेरियस ग्रुप ऑफ द टूल मटेरियल आपको यहां पर दिखाया गया है। पहले भी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में पहले आपको मैंने आपको कंपेयर आपको बताया था, स्ट्रेंथ एंड टफनेस देखिए यहां पे आपको दिखा रहा है, हॉट हार्डनेस एंड द वियर रेसिस्टेंस, हॉट हार्डनेस एंड द वियर रेसिस्टेंस, हाई स्पीड स्टील का नहीं है, हॉट हार्डनेस में नहीं काम कर सकता हाई स्पीड स्टील, है ना। ये कार्बाइड्स उससे बेटर हॉट हार्डनेस है और ज्यादा आपको वियर रेसिस्टेंस है कार्बाइड का, है ना, यहां पर आपको दिखाया गया है कौन किसका कितना जो है हॉट हार्डनेस एंड वियर रेसिस्टेंस है, आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना, कोटेड कार्बाइड्स का, सिलिकॉन नाइट्राइड का, सेरमेट का, ये आपको दिखाया गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 30% टाइटेनियम कार्बाइड का दिखाया गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिखाया गया, डायमंड एंड क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का दिखाया गया है ना, डायमंड का आप देखिए हॉट हार्डनेस सबसे ज्यादा है एंड क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का, ये हॉट हार्डनेस आपको यहां पर दिखाया गया है ना, ये आपको दिखाया गया है ना, सभी मटेरियल का आपको यहां के प्रॉपर्टी आपको यहां पे दिखाया गया। तो वी आर टॉकिंग ऑफ द एल्यूमिना बेस्ड कोटिंग, एल्यूमिना बेस्ड कोटिंग के बारे में आप बात हम लोग बात कर रहे थे, केमिकली दे आर मोर स्टेबल देन द हाई स्पीड स्टील, वो हाई स्पीड स्टील से
आपको ज्यादा स्टेबल है एंड कार्बाइड से भी ज्यादा स्टेबल है. सो दे हैव लेस टेंडेंसी टू एडहर टू द मेटल्स ड्यूरिंग कटिंग एंड कॉरस्पॉन्डिंगली लोअर टेंडेंसी ऑफ द ब्लंट एपेज. आपको ब्लंट एपेज फॉर्मेशन का आपको लेस कैपेसिटी है ना. ये आपको एल्यूमिना ऑक्साइड का कॉन्सिक्वेंटली इन द कास्ट आयरन एंड स्टील गुड सरफेस फिनिश इज ऑब्टेंड विद द सिरामिक टूल. जो सरफेस फिनिश भी जो आपका ऑब्टेंड होता है ना सिरामिक टूल से बेटर होता है. हाउ टू सस्टेन इन द मार्केट. आपको जो कस्टमर अच्छा सरफेस फिनिश आपको मांगता है, आप हाई स्पीड स्टील का यूज करके आप अच्छा सरफेस फिनिश नहीं ले सकते हैं. आप सिरामिक टूल दे करके आप उसको जो है सरफेस फिनिश यूज कर सकते हैं. हाउ टू गेट द गुड सरफेस फिनिश, यूज द सिरामिक टूल्स, तभी आपको जो है अच्छा सरफेस मिलेगा. आपको जो आपको मारुति है, मारुति जो है वेंडर कंपनी को आप सिरामिक टूल यूज करेंगे आपको तुरंत ऑर्डर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सरफेस फिनिश उसका बेटर होगा, एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में आपको बेटर होगा, तो आपको तुरंत आपको आपको ऑर्डर मिल जाएगा. हाउ यूर सिरामिक्स लेक द टफनेस, इसमें टफनेस थोड़ा कम होता है. देयर यूज में रिजल्ट इन द प्रीमैच्योर टूल फेलियर. टूल फेलियर में आपको यूज करता है बाय चिपिंग कैटास्ट्रोफिक फेलियर. सिरामिक्स आर इफेक्टिव इन द हाई स्पीड अनइंटरप्टेड कटिंग ऑपरेशन, है ना. हाई स्पीड में आपको यूज होता है, अनइंटरप्टेड कटिंग ऑपरेशन में आपको यूज होता है, है ना. नेगेटिव रेक एंगल्स आर जनरली प्रिफर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड चिपिंग. चिपिंग भी इसमें आपको कम होगा अगर उसमें नेगेटिव रूप रेक एंगल डाल देंगे. एंड ड्यू टू द पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सिरामिक्स, है ना. ये आपको सिरामिक्स कोटिंग है ना. तो हम लोग टूल के बारे में, कटिंग टूल के बारे में पढ़ रहे थे, अब उसका थोड़ा अटेंडेंस हम बना दें, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. अमन कुशवाहा जी रोल नंबर 5, अमन सिंह जी रोल नंबर 6, आशुतोष सिंह जी रोल नंबर 12 प्रेजेंट सर, चंचल कौशिक जी रोल नंबर 13 यस सर, जतिन आर्या जी रोल नंबर 16, मोहित अधाना जी रोल नंबर 21, नीतीश शर्मा जी रोल नंबर 24, सर मोहित अधाना, मोहित अधाना जी रोल नंबर 21, तुषार कनौजिया जी रोल नंबर 32, यस सर, तुषार सैनी जी रोल नंबर 33. हम फिर से अटेंडेंस एक बार बोल देते हैं. तुषार सैनी जी रोल नंबर 33, तुषार कनौजिया जी रोल नंबर 32, शुभम कुमार राणा जी रोल नंबर 31, नीतीश शर्मा जी रोल नंबर 24, मोहित अधाना जी रोल नंबर 21, जतिन आर्या जी रोल नंबर 16, चंचल कौशिक जी रोल नंबर 13, आशुतोष सिंह जी रोल नंबर 12, अमन सिंह जी रोल नंबर 6, अमन कुशवाहा जी रोल नंबर 5. तो हम लोग कटिंग टूल मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे. दूसरा इंटरेस्टिंग कटिंग टूल मटेरियल है सेरमेट्स. इसमें सेरामिक और मेटल दोनों को मिला दिया जाता है, इसीलिए इसको मेटालिक मैट्रिक्स बोलते हैं. इसको सेरामिक्स को भी और मेटल को भी इसमें मिला दिया जाता है. सेरमेट्स वेयर यूज इन द अर्ली 1950 में ये वर्ल्ड में आपको इंट्रोड्यूस हुआ. आफ्टर द इंडिपेंडेंस दिस वाज यूज्ड, दिस इज नाउन एज द सेरामिक्स एंड द मेटल सेरमेट्स एंड कंसिस्ट ऑफ द सेरामिक पार्टिकल इन ए मेटालिक मैट्रिक्स.
सेरामिक पार्टिकल आपको मेटल मैट्रिक्स में आपको दिया जाता है, इसको सेरमेट्स बोला जाता है ना। ए टाइपिकल सेरमेट कंसिस्ट ऑफ द 70% एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड 30% टाइटेनियम कार्बाइड एंड अदर सेरमेट्स कंटेन मोलिब्डेनम कार्बाइड, न्यूबिडियम कार्बाइड एंड टेंटेलियम कार्बाइड, है ना। मेटालिक मैट्रिक्स में, मेटल में ये 70% एल्युमिनियम ऑक्साइड डाल दिया जाता है मैट्रिक्स में और 30% टाइटेनियम कार्बाइड डाल दिया जाता है, इसको सेरमेट्स बोलते हैं। सेरमेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ये कंटेन मोलिब्डेनम कार्बाइड, न्यूबिडियम कार्बाइड एंड द टेंटेलियम कार्बाइड, है ना। ये आपको सेरमेट्स 1950 में आपको इंट्रोड्यूस हुआ था। Although they have a chemical stability, ये आपको chemically stable रहता है, इसका decomposition नहीं होगा। दूसरा जो high speed steel है ना, वो आपको higher temperature पे काम नहीं कर पाएगा, वो chemically decompose कर जाएगा higher temperature पे। तो ये आपको chemically stable रहता है, resistant to built up formation, built up age इसमें formation आपको नहीं करता है, ये है ना। built up age formation का मतलब है जो टूल है, टूल के ऊपर जो है चिप्स जो बनता है वो स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, ये आपको बिल्ट अप एज को फॉर्मेशन करता है। जो चिप्स है ना, चिप्स में आपको थोड़ा सा चिप्स बना, लॉन्ग चिप बना, उसके बाद उसमें आपको यहाँ पर टूल में आपको पार्टिकल जमा हो जाता है, वो आपको चिप में चिपक गया और बिल्ट अप एज बन गया। तो बिल्ट अप एज इसमें आपको नहीं बनता है अगर आप जो है सेरमेट्स का टूल ये आप यूज करते हैं, है ना। इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये आपको ब्रिटल होता है एंड हाई कॉस्ट ऑफ द सेरमेट, कह रहा है ना, हाई कॉस्ट ऑफ द सेरमेट, सेरमेट का कॉस्ट आपको ज्यादा है। तो ये सेरमेट का कॉस्ट ज्यादा है जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री आपको यूज नहीं कर पाती है। सेरमेट्स का कॉस्ट जो है आपको ज्यादा होने की वजह से आपको यूज नहीं कर पाती है ना। तो ये कॉस्ट का वजह से ही जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड वगैरह जो है ना, वो आपको यही टूल का यूज करती है और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का आपको फायदा ले लेती है। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड नेक्स्ट टू डायमंड इज द क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड इज द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंटली अवेलेबल इंट्रोड्यूस इन द 1962 में क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड आया एंड इट इज ऑल्सो द नेक्स्ट टू द डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, मेड बाय बॉन्डिंग ऑफ ए 0.1 mm लेयर ऑफ द पोलो क्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टू ए कार्बाइड सब्सट्रेट बाय सिंटरिंग अंडर हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर। सिंटरिंग अंडर हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर, ये आपको पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का आपको 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 ये बता रहा है ना। व्हाइल द कार्बाइड प्रोवाइड्स शॉक रेसिस्टेंस, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड लेयर प्रोवाइड्स वेरी हाई वियर रेसिस्टेंस एंड द कटिंग एज स्ट्रेंथ। आपको क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड लेयर जो आपको प्रोवाइड करता है, वेरी हाई वियर रेसिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है, कटिंग एज स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है, यहां पर आपको दिखाया गया है ना। कार्बाइड सब्सट्रेट है ये, पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड और द डायमंड लेयर आपको यहां पे दिखाया गया है। ये आपको यहां पे ब्राज किया जाता है, ये टंगस्टन कार्बाइड का इंसर्ट है, है ना, इंसर्ट विद द पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टिप्स आपको यहां पे रो में आपको दिखाया गया है एंड द सॉलिड पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड ये सारे आपको यहां पे दिखाया गया है। एंड इंसर्ट ऑफ द पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड और डायमंड लेयर ऑन द टंगस्टन कार्बाइड आपको फिगर में आपको यहां पे दिखाया गया है। CBN टूल्स आर आल्सो मेड इन द स्मॉल साइज विदाउट द सब्सट्रेट एट एलिवेटेड टेम्परेचर, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड इज केमिकली इनर्ट टू द आयरन एंड निकल, है ना, ये केमिकली इनर्ट है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ये रिएक्शन नहीं करेगा, सबसे बड़ा एडवांटेज है। हाइयर टेम्परेचर होगा, हाइयर टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाता है, मेटल का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है, तो यहां पर आपको केमिकली जो है आपको केमिकली आपको इनर्ट रहेगा एंड इट्स रेसिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन इज हाई, ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है ये क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड में।
दूसरे जो हाई स्पीड स्टील वगैरह है उसमें ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन हो जाता है और आपको बियर होने लगता है. इट इज देयरफॉर पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर द कटिंग हार्डन फेरस एंड द हाई टेम्परेचर एलॉय. ये हाई टेम्परेचर एलॉय के लिए यूज किया जाता है, हार्डन फेरस के लिए आपको यूज किया जाता है. हाई टेम्परेचर एलॉय जो आपको आपको हाई टेम्परेचर एलॉय का जो आपको एरोप्लेन वगैरह में यूज होता है उसी मटेरियल पे ये आपको टूल यूज किया जाता है. ये सबका टूल का काम, ये सारी मशीनरी, ये इसकी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है. जापान, जर्मनी, फ्रांस है ना, ये वहां पर आपको ये आपको इसकी मशीनिंग होती है, वहीं पे ये टूल वगैरह आपको यूज किए जाते हैं, है ना. बिकॉज सीबीएन टूल्स आर बेटर, स्टिफनेस ऑफ द मशीन टूल एंड फिक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट. मशीन टूल और फिक्चरिंग आपको इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अवॉइड द वाइब्रेशन एंड चैटर, है ना. Due to avoid the cracking, due to the thermal shock, machining should generally be performed by the dry, particularly in the interrupted cracking operation such as a milling. Machining इसमें आपको dry होगा, आपको interrupted cracking operation such as a milling में आपको ये आपको use किया जाता है. Silicon nitride based ceramics, silicon nitride based ceramics. सेरामिक्स जो है आपको सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड है, एल्यूमिना बेस्ड नहीं है, सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड सेरामिक्स है. ये आपको 1970 में डेवलप किया गया, ये आपको नया मटेरियल आपको आया है 1970 में, बहुत ही रिसेंटली आपको आया है ना. सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड सेरामिक कंसिस्ट ऑफ द सिलिकॉन नाइट्राइड एंड द वेरियस एडिशन ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यट्रियम ऑक्साइड एंड द टाइटेनियम कार्बाइड, है ना. ये एडिशन ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड, यट्रियम ऑक्साइड एंड द टाइटेनियम कार्बाइड को मिला करके आपको सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड सेरामिक्स वो आपको बनाया गया. दीज टूल्स हैव द टफनेस, टफ है, हॉट हार्डनेस है एंड गुड थर्मल शॉक रेसिस्टेंस है. आपको हॉट हार्डनेस भी इसका ज्यादा है, थर्मल शॉक रेसिस्टेंस भी ज्यादा है एंड टफनेस भी ज्यादा है ना. एन एग्जाम्पल ऑफ द सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड मटेरियल इज द सियालोन. सियालोन है, सियालोन पे मैंने भी कई पेपर इस पे लिखे हुए हैं. सियालोन जो है अभी रिसेंट में काफी आपको रिसर्च में आपको यूज किया जा रहा है. रिसेंट रिसर्च जो हो रहा है वो आपको सियालोन में हो रहा है. सियालोन की प्रॉपर्टी कैसे कैसे है, कैसे कैसे वैरी करती है, सियालोन को कैसे जो है उसका जो मैक्सिमाइज किया जाए. सियालोन पे हमारे काफी पेपर आते हैं, आप उसको सियालोन पे आप जो है पेपर आप देख सकते हैं. कंपोज्ड ऑफ द सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन, सियालोन है ना. SI सिलिकॉन, AL एल्युमिनियम, O ऑक्सीजन एंड N नाइट्रोजन. सियालोन जो आपको बनाया गया है सिलिकॉन से बनाया गया है, एल्युमिनियम से बनाया गया है, ऑक्सीजन से बनाया गया है और नाइट्रोजन से बनाया गया है. ये आपको बहुत अच्छा आपको टूल मटेरियल है सियालोन. सियालोन में आप जो है कुछ उसमें लिटरेचर कलेक्ट कीजिए और उसमें थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टी को चेक कीजिए सियालोन का. मैं आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर सियालोन के बारे में बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सियालोन होता है और सियालोन का ये कंपोजिशन होता है, लेकिन डिटेल्ड प्रॉपर्टी, डिटेल क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको लिटरेचर रिव्यू इसके लिए कीजिए और आप उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाइए सियालोन पे. सियालोन पे अभी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम चल रहा है. इट इज ए हायर थर्मल शॉक रेसिस्टेंस, इसका थर्मल शॉक रेसिस्टेंस आपको हायर है देन द सिलिकॉन नाइट्राइड से एंड रेकमेंडेड फॉर द मशीनिंग कास्ट आयरन एंड निकल बेस्ड सुपर एलॉय एट द इंटरमीडिएट कटिंग स्पीड, है ना. निकल बेस्ड सुपर एलॉय के लिए कटिंग के लिए भी आपको काम आता है ना. कास्ट आयरन कटिंग के लिए काम आता है. बिकॉज ऑफ द केमिकल एफिनिटी टू द आयरन, सियालोन बेस्ड टूल्स आर नॉट सुटेबल फॉर मशीनिंग स्टील. सियालोन का जो यूज है वो आपको स्टील के मशीनिंग में आपको यूज नहीं होता है. यहाँ पे देखिए आपको क्लियर लिखा हुआ है कि इसकी केमिकल एफिनिटी है आयरन के साथ में, इसीलिए ये इसकी जो है स्टील की मशीनिंग में आपको यूज नहीं होता है. नन फेरस टूल्स के बारे में आपको आपको यूज होता है. डायमंड, ऑफ ऑल नॉन मटेरियल द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज द डायमंड.
एज ए कटिंग टूल इट हैज लो फ्रिक्शन, इसमें आपको फ्रिक्शन कम है। हाई वियर रेसिस्टेंस, इसकी वियर रेसिस्टेंस आपका ज्यादा है। एबिलिटी टू मेंटेन शार्प कटिंग एज, ये आपको शार्प कटिंग एज आपको रखता है। यूज्ड व्हेन गुड सरफेस फिनिश एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी आर रिक्वायर्ड पार्टिकुलरली विद द सॉफ्ट नॉन फेरस अलॉय एंड एब्रेसिव नॉन मेटालिक एंड द मेटालिक मटेरियल डायमंड। जब आपको गुड सरफेस फिनिश की जरूरत है, डायमेंशनल हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी की जरूरत है, तो आपको डायमंड के लिए आपको जाना पड़ेगा, डायमंड से आपको मशीनिंग करना पड़ेगा, तो आपको एब्रेसिव नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक मटेरियल को जब ऑपरेशन करेंगे तो आपको डायमंड से आपको मशीनिंग करना पड़ेगा। जो एक डायमेंशनल एक्यूरेसी तो उसमें हाई स्पीड स्टील वगैरह आपको काम नहीं करेगा, है ना। सिंथेटिक और इंडस्ट्रियल डायमंड्स आर नाउ यूज्ड वाइडली बिकॉज ऑफ द नेचुरल डायमंड हैज फ्लॉज एंड इट्स परफॉर्मेंस कैन बी अनप्रिडिक्टेबल। सिंगल क्रिस्टल डायमंड आर यूज्ड फॉर द स्पेशल एप्लीकेशन, however they have been replaced largely by the polycrystalline diamond called the compacts which are also used as a dye of the fine wire drawing, dyes ke roop mein aapko iska use hota hai। These diamond tools consist of the very small synthetic crystal fused by high pressure high temperature process to thickness of about 0.1 to the 1 mm and bonded to a carbide substrate similar to the cubic boron nitride। Because the diamond is brittle, tool shape and sharpness are important. Low rake angles are generally used to provide the strong cutting edge. Low rake angle provide कर देंगे तो आपको ज्यादा आपको cutting edge देगा। Diamond tools can be used almost any speed. देखिए कितना ज्यादा फायदा है इसका। किसी भी स्पीड पे आप काम कर सकते हैं, किसी भी हायर स्पीड पे आप काम कर सकते हैं डायमंड के साथ में। Most suitable for the light interrupted finishing cut, uninterrupted finishing cut में आप diamond को use कर सकते हैं। Diamond is not recommended for machining plain carbon steel or the titanium or cobalt based alloy because of the strong chemical affinity at the elevated temperature. Plain carbon steel के साथ में काम करने के लिए diamond को मना किया गया क्योंकि इसकी affinity है elevated temperature पे, है ना। तो ये आपको डायमंड के बारे में आपको था। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायमंड, सिलिकॉन नाइट्राइड बेस्ड सिरामिक, सियालोन। सियालोन के बारे में आपने आप डिस्कस किए। सियालोन इज द वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च टूल नाउडेज। सियालोन पे काफी काम हो रहे हैं और सियालोन की कैसे प्रॉपर्टी बढ़ाई जाए उस पर कई काम हो रहे हैं। और ये क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड जो आपको 1962 में इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में आप यहां पे स्टडी किए। सेरमेट्स, सिरामिक और मेटल को मिला करके कैसे टूल बनाया जाता है, कैसे टूल मटेरियल बनाया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। इसमें 70% एल्युमिनियम ऑक्साइड है, 30% टाइटेनियम कार्बाइड है, है ना, मोलिब्डेनम कार्बाइड है, निब्डियम कार्बाइड है एंड टेंटेलम कार्बाइड है। ये आपको सेरमेट्स के लिए आपको यूज किया जाता है, है ना। जो आपको डिफरेंट टूल मटेरियल है उसका आपको कॉम्पिटेटिव हॉट हार्डनेस एंड वियर रेसिस्टेंस आपको दिखाया गया है। डायमंड का क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड हॉट हार्डनेस सबसे ज्यादा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का उसके बाद है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 30% टाइटेनियम कार्बाइड उसके बाद है, सिलिकॉन नाइट्राइड का है, सेरमेट्स का है, कोटेड कार्बाइड्स का है, कार्बाइड्स का है और हाई स्पीड स्टील का है। तो ये सारे डिफरेंट टूल्स है, हमें बोलना नहीं चाहिए। इंडिया में सभी इंडस्ट्री हाई स्पीड स्टील को ही यूज करते हैं, वो ये आगे जाते नहीं है क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए अब वो हाई स्पीड स्टील का आपके कॉलेज में भी हाई स्पीड स्टील के ही टूल आपको देखने को मिलेगा, दूसरा टूल्स यहां पे नहीं है। हमें इस बारे में बोलना नहीं चाहिए लेकिन जो है